हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, इट्स टाइम टू रिवाइव स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कुमार कार्तिकेय जी ने ये चीज़ बोली, और ये है कौन, लीगल स्ट्रक्चर बेस्ड इन दिल्ली। तो बोला है कि इन्होंने कि स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम शुड बी रिवाइव। क्यों? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज थ्री ज्यूरिसडिक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल, एपेलेट एंड एडवाइजरी। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट एज द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एज वेल एज कोर्ट ऑफ अपील, द कोर्ट इन द बेंचेस ऑफ वेरिंग साइजेस एज डिटरमाइंड बाय द रजिस्ट्री ऑन द डायरेक्शन ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर। ठीक है, ये चीफ जस्टिस जी को बोला गया। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टिपिकली कंसिस्ट्स 5, 7, 9 हु डेलिब्रेट ऑन द स्पेसिफिक रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। आर्टिकल 145 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर सेटिंग अप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इज अ मिनिमम ऑफ 5 जजेस नीड टू सिट फॉर डिसाइडिंग अ केस इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू बी इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और फॉर हियरिंग रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143 विच डील्स विद द पावर ऑफ प्रेसिडेंट रिजल्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे साफ बोला गया आर्टिकल 145 क्लॉज 3 में कि कम से अगर कोई भी केस आ रहा है उसमें लॉ इंटरप्रिटेशन चाहिए और उसमें बहुत सब्सटेंशियल नॉलेज क्वेश्चन ऑफ लॉ चाहिए, तो मिनिमम 5 बेंच जजेस का बेंच होना चाहिए। और अगर कोई प्रेसिडेंट के पावर में कंसल्ट करने के कुछ डील करना है तो उसमें भी बेंच, नंबर 5 जजेस का बेंच तो चाहिए ही चाहिए। टिपिकली केसेस बिफोर सुप्रीम कोर्ट आर हर्ड बाय डिवीजन बेंच ऑफ 2 जजेस और फुल बेंच 3 जजेस इन वाइड रेंज ऑफ टॉपिक सच एज फिल्म प्रोहिबिशन और चार्जेस दैट पुलिस कमिश्नर अब्यूज्ड हिज पोजीशंस। इट्स वेरी ब्रॉड ज्यूरिसडिक्शन द सुप्रीम कोर्ट हैज एंटरटेन्ड फ्रिवलेस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो PIL हम लोग बोलते हैं, एज डिमांड एंड पैसेजेस बी डिलीटेड फ्रॉम द कुरान और सेकुलरिज्म बी रिमूव फ्रॉम द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारे PIL भी इतने इशू को हैंडल करते हुए वो सारे PIL को भी सुनता है सुप्रीम कोर्ट। दैट इज वाई एट प्रेजेंट 79,813 केसेज पेंडिंग बिफोर 34 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इट इज देयर फॉर अंडरस्टैंडेबल दैट देर हैज बिन डिमांड टाइम अगेन फॉर स्ट्रक्चरल चेंज इन द टॉप कोर्ट। रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड हिज इंटेंट टू क्रिएट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ वेरी स्ट्रेंथ एज अ परमानेंट फीचर ऑफ द कोर्ट। डिस्कोर्स ऑन सेपरेशन, आप देखिए 82 केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, कितनी बड़ी बात है। डिस्कोर्स ऑन ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इन मार्च 1984 द 10th लॉ कमीशन इंडिया प्रपोज द सुप्रीम कोर्ट बी स्प्लिट इनटू 2 डिवीजन, द कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन द लीगल डिवीजन। द प्रपोज स्टेटेड दैट ओनली इशू टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वुड बी ब्रॉट टू प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन। रिइटरेटेड 11th लॉ कमीशन स्टेटेड इन 1988 दैट डिवाइडिंग द सुप्रीम कोर्ट इनटू 2 पार्ट्स would make justice more widely available and would significantly decrease the that litigation have to pay. तो यहाँ भी बात हुई कि ये 10th ने और 11th ने दोनों ने बोला कि हाँ भाई डिवाइड कर दो सुप्रीम कोर्ट को, ऐसे दो में डिवाइड कर दो। क्या है दो? एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो जाएगा, एक आपका लीगल डिवीजन हो जाएगा। इट वॉज रिपोर्टेड दैट द अपील ऑफ द टॉप कोर्ट comprise matter from High Court and are closer to the Supreme Court. That is, Punjab Haryana High Court, Allahabad High Court, Delhi High Court form the major chunk of the matter, whereas court far from the apex court had fewer appeal filed due to both difficulty in accessibility and cost. Earlier, in Bihar Legal Support Society versus Justice of India, the Supreme Court stated that it was desirable to establish a national of appeal that would be able to entertain special leave petition. This would allow the court to only entertain constitutional and public law related questions as a step towards making the court more accessible. The 2009th Law Commission report 2009 recommended 4 regional benches to be located in Delhi, Chennai, Hyderabad, Kolkata and Mumbai to hear non-constitutional issues. It added 6 judges. 229th Law Commission 2009 It recommends 6 judges from each region and 4 regional benches take up appellate responsibility, with the constitutional bench in New Delhi working on a regular basis by dividing the heavy backlog of
कॉन्स्टिट्यूशनल केस अमंग द रीजनल बेंचेस इतना इट सेट कुड डील कॉन्स्टिट्यूशनल इशू एंड अदर केसेस ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस ऑन अ डे टू डे बेसिस. ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम्स देर वर थ्री सुप्रीम कोर्ट्स, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास. द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861 हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861 रिप्लेस द सुप्रीम कोर्ट विद हाई कोर्ट फॉर सेपरेट रीजन्स. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्रिएट फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया एज द एपलेट बॉडी ऑफ प्रिवी काउंसिल एंड हाई कोर्ट. इंडिया अप्रूव द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1949. द सुप्रीम कोर्ट एज वी नो इट The founded in we know it now was on January 28, 1950 under Article 124 of the Constitution. Two days after India became independent democratic republic, it came into being in Delhi as a result of Article 130. The first Supreme Court included 8 judges including Chief Justice of India. As the workload rose year after year, the arrears of cases began to accumulate. Parliament increased the number of from 8 in 1952, 11, 1956, 14, 1860, 18 in 1978, 26 in ITNA and 34 in 2019. An overburdened court. Today's Supreme Court issues 8 to 10 decisions each year through constitutional bench of 5 or more judges. It serves primarily as an appeal court. Only 4 of the 1,263 decision issued in 2022 were issued by a constitutional bench. The Supreme Court hears matter between the center and the state as well as between the two or more states, rules on civil and criminal appeal, and provide legal and factual advice to the president. And can immediately petition the Supreme Court if they consider the basic rights infringed. The work of Supreme Court could be split so that there is a real court of appeal and a permanent constitutional bench. This would ensure just greater judicial stability and consistency by explicitly distinguishing cases filed under the constitutional authority from filed under appellate and review jurisdiction. A constitutional bench. V. Vasant Kumar versus H.C. Bhatia is analyzing this issue and contemplating measures to protect a citizen's basic right to access the Supreme Court under the guidance of the Justice of India. There is an opportunity to address the structural gap in the Supreme Court by designating several of these court's appeal benches as a legal regional benches. Now, you see, what is important for us important kya hota hai sabse pehle. Supreme Court. हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये. हमने आर्टिकल देख लिया कौन कौन इम्पोर्टेंट है. आर्टिकल 145 क्लॉज 3 ये हमने देख लिया. एक आर्टिकल हमने देखा आर्टिकल 143. इसमें प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा और उससे कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट कंसल्टेशन देना है वो. ये जो इशू है ना इसमें बताता है कि फाइव जज बेंच लगेंगे अगर कहीं पर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो रहा है, इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो मिनिमम इतने जज लगने चाहिए. ठीक है, आप देखिए 8,000 केसेस पेंडिंग है, इसको 80,000 ही कर देते हैं. और बस हमारी जो 10th लॉ कमीशन थी कब थी, 1984 में इन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन और लीगल डिवीजन. ठीक है, और आप देखिए 11th वालों ने भी ट्राई किया लॉ कमीशन ने 1988 कि हाँ भाई ऐसा कर दो, उससे थोड़ा पैसा भी कम होगा, फीस कम हो जाएगी और बाकी लोगों तक पहुंचेगा भी. यही हो रहा है, हाई कोर्ट्स जो मिनिमम आसपास के हैं वही सारे केसेस लेके पहुंच जाते हैं. अपील ज़्यादा हो जाती है तो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन इसका जो है वही हो जा रहा है, ज़्यादा खर्चा कर रहा है. 229th लॉ कमीशन 2009 ये भी बोला कि चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता यहाँ पे बेंच होंगे. यही सब चल रहा है, बॉम्बे हाई कोर्ट, कलकत्ता, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ऑफ इतना रिप्लेसिंग कोर्ट विथ हाई कोर्ट, ठीक है, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया एज एन एपलेट, ठीक है, प्रीवी काउंसिल, ये सब रिप्लेसमेंट हुआ था.
आर्टिकल 124 देखिए, कौन से 2 डेज आफ्टर इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, ठीक है 124 सही, तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट आया है, ठीक है। ओवर बर्डन कोर्ट है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे बर्डन है कोर्ट के ऊपर, इसके ज्यूरिसडिक्शन हमने देख लिए क्या यहाँ पर था आपका। देखिए एक तो अपेलेट है, एक एडवाइजरी है, ओरिजिनल है, तो ओरिजिनल अपेलेट एडवाइजरी, ठीक है। ये अपील वाले आ जाते हैं हाई कोर्ट में, अगर मानो कोई सजा सुना दी हम कोर्ट में अपील करेंगे, ये वो वाला हिसाब है। ओरिजिनल जो स्टेट सेंटर के बीच में टसल होते रहते हैं, कोई आपका फंडामेंटल राइट कटेल हो रहा है तो आप इसमें जा रहे हो, और एडवाइजरी जो प्रेसिडेंट मांगते हैं कि भाई एडवाइस किया जाए अब इस पे क्या करना है, तो ये सारी चीजें थी पेंडिंग है। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, इसका बेंचेस बढ़ाया जा रहा है, फाइनल कोर्ट ऑफ ये रखा गया है उसको अलग किया जा रहा है, थोड़ा काम बांटा जाए, इसके सीट बढ़ाया जाए, जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाए, जजेस पहले कितने कम थे धीरे धीरे वर्कलोड के वजह से बढ़ाया गया है। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही था, थैंक यू गाइज, प्लीज वर्क हार्ड टू अचीव ऑल।